फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट व्यू। आईसीसी ने एशियस का स्केड्यूल बाहर कर दिया, मतलब आउट कर दिया है। उन्होंने मेंस के एशिया से पहले 2000 मेंस एशियस 2021-2022 और वुमेंस एशियस 2022, मतलब मेंस और वुमेंस दोनों का स्केड्यूल आउट हो चुका है एक साथ। उसके बाद पहला मुकाबला है मेंस का टेस्ट मैच है 8 से 12 दिसंबर, वो होगा गाबा में, ब्रिस्बेन गाबा स्टेडियम का नाम गाबा है और सिटी का नाम ब्रिस्बेन। फिर होगा डे नाइट मुकाबला जो होगा 16 से 20 तारीख में, 4 दिन का गैप होगा। एडिलेड में होगा वो मैच। फिर होगा 26 से 30, 6 दिन का गैप होगा, वो होगा मेलबर्न MCG। फिर होगा 5 से 9 जो होगा सिडनी और लास्ट टेस्ट होगा पर्थ पे। और ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, पिछले साल इंग्लैंड में हुई थी हेडिंगली में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में। बेंच पिछले साल इंग्लैंड जीता था शायद 2-1 से, बेन स्टोक्स ने क्या वन साइडेड मैच जिताया था वो। फिर उसके बाद जैसी 18 जनवरी को मैच ख़त्म हो गए 5 टेस्ट। उसके बाद वुमेंस का एशेस चालू होगा, उनका पहला टेस्ट मैच है, एक ही टेस्ट मैच है उनका, वो कैनबेरा में पहला है 27 से 30। फिर उनकी T20 चालू हो जाएगी वुमेंस के, पहला 4-6-10 पहला T20 सिडनी, फिर ओवल, फिर एडिलेड और फिर 3 ODIs है वुमेंस के। पहला होगा ओवल में, एडिलेड ओवल में, फिर मेलबर्न, फिर मेलबर्न जंक्शन ओवल, आखिरी के 2 ODI जंक्शन ओवल में हो गए और नॉर्थ सिडनी ओवल में हो गए T20 के आखिरी 2 मुकाबले। मतलब वुमेन मेंस की चलेगी 8 दिसंबर से 18 जनवरी तक और वुमेंस की चलेगी 27 जनवरी से 19 फरवरी तक। तो यही था पूरा स्केड्यूल, बहुत मज़ेदार होगा एशेस को इस बार देखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछले साल की हार का बदला लेना चाहेगी। बेन स्टोक्स ने क्या बैटिंग की थी हेडिंगली में। और यही था आज का वीडियो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक आप प्लीज़ मास्क पहनिए, घर पर रहिए और आप सभी का आपका ख्याल रखिए।